चीन में जहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही, वहीं कोरोना वायरस के मुख्य केंद्र वुहान के एक अस्पताल में 6 माह के एक बच्चे की तस्वीर सबका ध्यान आकर्षित कर रही है। कोरोना वायरस से संक्रमित 6 माह के बच्चे को वुहान स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्चे की माँ भी कोरोना वायरस से पीड़ित है, उसे भी बच्चे से अलग रखा गया है। दिल्ली में बिहार और पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं। दिल्ली विधानसभा की करीब 25 से 30 विधानसभा सीटों पर पूर्वांचल के मतदाता हार जीत के लिए तिथि को तय करेंगे। यही वजह है कि बीजेपी ने यह चुनाव पूर्वांचल मतदाताओं को ध्यान में रखने की कोशिश की थी। वोटरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बिहार के कुछ राजनीतिक दलों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को भी उतारा था। दिल्ली में पिछले कुछ समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा में जोर पकड़े हुए है, जिसे कॉमन सिविल कोड या समान नागरिक संहिता के रूप में भी जाना जाता है। मोदी सरकार ने 3 तलाक धारा 370 को निष्प्रभावित करने और राम मंदिर बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब लोगों को लग रहा है कि बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के अपने वादे को पूरा करेगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने अपनी हवाई ताकत को मजबूत करने का फैसला किया। इसके लिए अमेरिका से इंटीग्रेटर एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को खरीदा गया। आपको बता दें कि $1.9 बिलियन की इस डील को बीते दिन अमेरिका ने अपनी मंजूरी दे दी। चीन में 900 लोगों की जान लेने वाला कोरोना वायरस अब काफी हद तक बढ़ चुका है। यही वजह है कि यह हवा से लोगों में एक दूसरे से फैलता है, जिसकी वजह से सिंगापुर में प्रशासन ने अपील की है कि वे कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचने के लिए एयर कंडीशन को प्रयोग करना बंद कर दें और ताजा हवा के लिए पंखे का प्रयोग करें। पूर्व सीजीआई गोगोई ने बीते दिन अहमदाबाद में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में न्यायपालिका पुनर्निर्माण और राष्ट्र निर्माण विषय पर अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है, नौकरशाह स्वतंत्र है, नेता स्वतंत्र है, हर कोई स्वतंत्र है, हर न्यायिक आदेश को अपने तरीकों से पढ़ता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीशों पर हमें भरोसा करना चाहिए, वे अच्छे लोग हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में वरिष्ठ नेता जीएम सरूरी को एक केस की जांच के सिलसिले में समन किया। सरूरी जम्मू कश्मीर के उपाध्यक्ष होने के साथ साथ पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। सरूरी के भाई को किश्तवाड़ा जिले में हिजबुल मुजाहिदीन से नाता रखने के आरोप में नामजद भी किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24-25 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप का यह पहला दौरा होगा। ट्वीट में यह भी बताया गया कि ट्रंप की यह यात्रा अमेरिकी भारत की रणनीति और साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए होगी। हाल ही में भारत और वेस्ट इंडीज में सफल प्रयोग के बाद इस बार विश्व टूर्नामेंट में पहली बार फुट प्रिंट नो बॉल तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, जब ICC इस महीने के आखिर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले महिला T20 विश्व कप में इसे लागू करेगा। राजस्थान में बीते दिन एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 15 लोग घायल हुए। घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह घटना भीलवाड़ा क्षेत्र में हुई, जहां पर एक गाड़ी की एक बस के साथ टक्कर हो गई।